व्हाट इज लिशिया? आज हम प्रज्ञापना सूत्र के 17th चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और उस चैप्टर में लिशिया के ऊपर डिस्कशन किया गया है। ये चैप्टर 6 पार्ट्स में डिवाइड है, जिनको 6 उद्देशक कहा जाता है। हर उद्देशक में अलग अलग तरीके से लिशिया के ऊपर चिंतन किया गया है। तो लिशिया क्या है? तो इसे हम सिंपल भाषा में साइकिक कलर्स कह सकते हैं। हमारी चेतना में कुछ कलर्स होते हैं, तो वो चेतना चूंकि दृष्टिगोचर नहीं होती है, तो उसमें किस तरह का कलर है उसे हमें पता नहीं चलना मुश्किल होता है। किंतु उस आज चेतना के अंदर जो भी कलर्स होते हैं, जिस तरह के भाव होते हैं, उस तरह के कलर उसमें होते हैं, वो कलर बाहर की तरफ भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और वो रेडिएशन, हमारी बॉडी से बाहर जो रेडिएशन आते हैं, उन्हें हम वर्तमान में ऑरा कहते हैं। तो वो ऑरा के रूप में हम उस चेतना के जो कलर्स हैं उनको बाहर भी देख सकते हैं। तो ये 2 तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलेगी। सॉरी, ये ओके। सो अब हम थोड़ा सा ये समझ ले कि लिश्या होती क्या चीज है। कर्मशास्त्री दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टि से लिश्या को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और लिश्या के प्योरिफिकेशन के बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं संभव नहीं है। सो इसलिए लिश्या बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो ये लिश्या एक प्रकार का एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑफ तेजस बॉडी है, जो ओरा के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है। किंतु एक्चुअल में ये हमारी स्टेट्स, इंटरनल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, विच आर कलर्ड ड्यू टू अवर नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस। तो लेशा इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इन अचीविंग स्पिरिचुअल एक्सीलेंस। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सोल एंड कर्म पार्टिकल्स। ये होता है कि भाई कर्म को और आत्मा को, दोनों को आपस में जोड़ने वाला तत्व क्या है? तो कहा जाता है वो लेशा है। सो लेशा एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कर्म पार्टिकल्स को आत्मा के साथ अटैच करने का काम करता है। लिश्यते आत्मा कर्मणा सह अनया। तो ये बात इस परिभाषा के अंदर कही गई है कि बाय विच सोल इज अटैच्ड टू कर्मास इज लिश्या। तो जिससे कर्म के साथ आत्मा का संबंध स्थापित होता है वो लिश्या कहलाती है। इस चैप्टर में जैसा मैंने आपसे कहा कि 6 खंडों में ये विभाजित है, 6 उद्देशकों में विभाजित है। हर उद्देशक के अंतर्गत एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के लेशा के बारे में चिंतन किया गया है। सो फर्स्ट में ये देखा गया है कि किस प्रकार के लेशा वाले जीव किस प्रकार का आहार लेते हैं, किस तरह का श्वास लेते हैं, किस तरह का अन्य जो एक्टिविटीज है वो करते हैं। ये पहले उद्देशक के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। दूसरे में ये बताया गया है कि 6 तरह की लेशाएं होती है, 6 प्रकार की लेशाएं होती है। तो वो लेशाएं शुभ और अशुभ रूप में, जिन्हें हम फिजिकल ये जो ओरा के रूप में हम देखते हैं या रेडिएशंस के रूप में हम बाहर की तरफ देखते हैं, वो 6 टाइप की लक्षाएं की चर्चा इस सेकेंड उद्देशक के अंतर्गत की गई है। तीसरे में डेवलपमेंट एंड लिमिट ऑफ नॉलेज इन पर्टिकुलर लक्षा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे नॉलेज की भी बहुत लिमिटेशन होती है। हम किस प्रकार के भावधारा में हैं, तो हमें किस तरह का ज्ञान हो सकता है या किस सीमा तक हो सकता है। तो ये लिमिट जो है फिक्स करने में भी लिश्या का बड़ा रोल है कि हमारा नॉलेज बहुत अधिक नहीं होता है या अधिक हो सकता है अगर हम प्योर लिश्या के अंदर हैं। तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर नॉलेज की जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ये होता ही है कि हम देखते हैं कि संतों को, महात्माओं को, वो कोई स्कूली शिक्षा नहीं लेते हैं, कोई साइंस नहीं पढ़ते हैं, ना कोई फिलोसॉफी पढ़ते हैं, ना रिलीजन किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं। किंतु वो साधना करते हैं, साधना से उनके अंदर चेतना का प्योरिफिकेशन होता रहता है और प्योरिफाइड चेतना से अपने आप नॉलेज जो है, चीजें नॉलेज में आती रहती है। तो वो अतींद्रिय सत्यों को भी देख लेते हैं। और हम फॉर्मल एजुकेशन लेने वाले चाहे कितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लें और कितनी बड़ी पोजीशन पर रहें, पर उस तरह का ज्ञान नहीं होता है। तो ये प्योरिफिकेशन से अपने आप नॉलेज होता रहता है। तो इसलिए ये देखना है कि हमारे अंदर किस तरह की भावधारा है, किस तरह के परिणाम है, कितनी आंतरिक पवित्रता है। उस पवित्रता से ज्ञान की वृद्धि अपने आप होती है। और अगर अपवित्रता, इम्प्योरिटी है, तो
ज्ञान की लिमिट भी होती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लेशा इनटू अनदर वन, तो लेशा को बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्प्योर लेशाओं को या इनऑस्पिशियस लेशाओं को आप ऑस्पिशियस या प्योर लेशाओं में नहीं बदल सकते, यानी अपने ऑरा को चेंज कर सकते हैं, अपने कलर्स को, साइकिक कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज करने का क्या तरीका होता है। लिमिटेशन ऑफ कन्वर्जन इन द केस ऑफ हेलिश एंड हेवनली बींग्स, ये भी ध्यान रखना है कि कुछ लेशाएं, कुछ जीवों के संदर्भ में लेशाओं का कन्वर्जन जो है उसकी एक लिमिट है, यानी वो उस तरह से चेंज नहीं होती है जिस तरह से हम सोचते हैं। सो वो इन जीवों के संदर्भ में, स्पेशली जो नरक में जीव होते हैं और देवलोक में यानी स्वर्ग के जो जीव होते हैं उनकी लेशाएं स्टेबल होती है, उनमें किसी तरह का जल्दी से परिवर्तन नहीं होता। पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस इन लेशियाज ऑफ पेरेंट्स एंड देयर कंसीव्ड चाइल्ड्स, ये भी देखा गया है कि माता पिता का जो व्यक्तित्व है उससे भिन्न व्यक्तित्व वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए ये मानना कि उन माता पिता से हेरिडेटरी उनके अंदर जेनेटिकली उसी तरह के संस्कार होंगे, उसी तरह के विचार होंगे, उसी तरह के व्यवहार होंगे, तो ये भी संभव, ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य नियम नहीं है कि जिस तरह के माता पिता होंगे उसी तरह के बच्चे होंगे। बच्चे डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी आत्मा, अपनी चेतना अलग है और कर्म अलग है, उनके भाव उसके आधार पर बनते हैं, उनका डेवलपमेंट उसके आधार पर होता है। सो माता पिता से जन्म लेने के कारण से जेनेटिकली उनका निश्चित रूप से संबंध माता पिता के साथ हो, ये जरूरी नहीं है। सो काइंड्स ऑफ लेशिया, नाउ वी आर कमिंग टू सम डिटेल ऑफ ऑल द लेशियस। लेशा जो है, लेशा के मोटे मोटी अगर हम ब्रॉडली उसका डिवीजन करें तो दो तरह की लेशियाएं होती है, फिजिकल और साइकिकल। सो जो हमारी चेतना की विभिन्न अवस्थाएं बनती है, कभी बहुत अच्छी अवस्था बनती है, कभी बहुत बुरी अवस्थाएं बनती है, कभी नेगेटिव बातें आती है दिमाग में, कभी बहुत पॉजिटिव आती है, कभी बहुत हायर लेवल की बातें सोचते हैं, कभी बहुत लोअर लेवल की बातें सोचते हैं। तो ये इस जो हमारे अंदर चेतना में इस तरह के जो परिणाम बनते रहते हैं और उसके कारण से हमारे अशुभ कर्मों का बंधन होता है, हमारे विचार भी प्रदूषित होते हैं, हमारे व्यवहार भी प्रतिकूल बनते हैं और हमारी भाषा में भी हार्शनेस आती है। तो ये सब चीजें जो चेंजेस होते हैं वो द्रव्य लेशा कहलाती है। तो हमारे आंतरिक परिणाम जब बदलते हैं तो हमारे व्यवहार में भी बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है, हमारे विचारों में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है, व्यवहारों में भी परिवर्तन आ जाता है, भाषा में भी बहुत परिवर्तन हो जाता है। सो ये इस तरह की जो ऑस्पिशियस जो हमारे मेंटल और वर्बल हमारी जो स्टेट्स बनती है उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो द्रव्य लेशा कहलाते हैं। द मेरिटोरियस और अनमेरिटोरियस मैटर विच गेट अटेस्ट टू अवर बाई अवर गुड और बैड एक्शंस और स्टेट्स ऑफ सोल आर कॉल्ड द्रव्य लेशियस। सो ये दूसरी परिभाषा ये भी है कि कभी कभी हम ऐसे चीजों के संपर्क में आते हैं उससे हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे भाषा में परिवर्तन हो जाता है, यानी हम ऐसे गलत वातावरण में चले जाए जहाँ की गलत लोग है तो उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऑरा है उससे हमारा ऑरा प्रभावित हो जाता है और उनका वो एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर आने लग जाता है। या हम कोई गलत चीजों का सेवन करते हैं तो हमारी मानसिक दशाएं बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारे आचरण बदल जाते हैं। तो गलत चीजों के सेवन करने से भी ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर होता है। तो ये दोनों ही तरीके हैं कि आप आंतरिक जो अवस्था से आपके बाह्य जो में जो परिवर्तन आ रहा है और दिखाई दे रहा है वो सब कुछ द्रव्य लेशा है, या हमारी कभी कभी बाह्य चीजें जो हमारी विचारों को बदलती है, हमारे व्यवहारों को बदलती है, हमारी सोच को बदलती है, हमारी भाषा को बदल देती है, हमारी चेतना के स्टेट्स को बदल देती है, नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव बना देती है। तो वो सब चीजें जो बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से द्रव्य लेशा को क्रिएट करते हैं, वो द्रव्य लेशा के अंतर्गत आते हैं, उनके जो कलर्स वगैरह चीजें हैं जो हमारे फिजिकल लेवल पर जिनका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। सो द स्टेट्स ऑफ सोल ड्यू टू राइजिंग और सेपरेशन ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड भावलेशिया।
अब ये समझना है कि ये जो द्रव्यलेशिया उत्पन्न होती है, यानी हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें आती है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, या हमारी कॉन्शियसनेस में कोई प्रकार की नेगेटिविटीज इंटर करती है, तो इसमें क्या कारण बनता है? तो इसमें मूलतः कारण बनता है कि हमारे अशुभ कर्म और विशेष रूप से मोहनी कर्म का जब उदय अंदर से होता है, तो हमारी स्टेट्स बदलती है, हमारी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है उसकी स्टेट्स बदलती है। हमारे अंदर उस तरह की गलत विचार आने लगते हैं, गलत भावनाएं पैदा होने लगती है, गलत व्यवहार हमारे अंदर आचरण करने की इच्छाएं पैदा होने लग जाती है, गलत एक्शन लेने लगते हैं। ये मोहनी कर्म के उदय के कारण से ये स्थितियां हमारी अशुभ लेशियां बनती है। और इसी प्रकार से ऑपोजिट, यानी मोहनी कर्म के नष्ट होने से, समाप्त होने से, या कंट्रोल में रहने से, या इनफेक्टिव कंडीशन में रहने से हमारी चेतना प्योरिफाइड रहती है, और उस प्योरिफाइड चेतना से हम जो कुछ भी एक्शन लेते हैं वो एक्शन भी हमारी सही होती है, राइट होती है, अच्छी होती है और बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। कहने का मतलब है कि विशेष रूप से मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो अशुभ लेशियाओं का निर्माण होता है, और मोहनी कर्म का जब प्योरिफिकेशन होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन, और सब्सिडेंस होता है, तब यानी उसे क्षोपशम बोलते हैं शास्त्र की भाषा में, क्षय, क्षोपशम या उपशम। जब ये तीन स्थितियां जब बनती है मोहनी कर्म की, तब हमारे अंदर शुभ लेशियाओं का जन्म होता है। इंटरनल कारण मोहनी कर्म का उदय या उसका क्षय कारण बनता है, और एक्सटर्नल हम दूसरी किसी चीजों के साथ में इस तरह की गलत या अच्छी चीजों के संपर्क में आने से भी हमारे भावों में उस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। हम साधु संतों के पास जाते हैं तो हमारे मन में कितनी भी नेगेटिविटीज होती है, हम बहुत पॉजिटिव बन जाते हैं, और किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारे अच्छे विचार भी हैं तो गलत विचार होने लग जाते हैं। बाह्य वस्तुओं का भी हम पर प्रभाव पड़ता है, और आंतरिक चेतना में भी आंतरिक रूप से भी कर्मों का अपना प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर होता है। तो कभी फैक्टर्स के रोल से हमारे अंदर ये लेशियाँ क्रिएट होती रहती है। सो बोथ द लेशियाज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। लेशियाज आर नॉट कार्मिक मैटर बट प्ले रोल इन अटैचिंग द कार्मिक मैटर टू सोल। ये लेशियाज को ये नहीं मानना है कि ये कोई कार्मिक मैटर है अपने आप में, ये एक प्रकार से हमारी फिजिकल कंडीशन है जो मेंटल, फिजिकल, वर्बल लेवल पर होती है, और उससे जो कलर क्रिएट होते हैं वो एक प्रकार से लेशिया है। इसलिए ये सीधा डायरेक्टली कोई कार्मिक मैटर नहीं है, बट हाँ कर्म के प्रभाव से ये परिणाम उत्पन्न होते हैं या इस तरह के स्टेट्स बनती है। टाइप्स ऑफ लेशियस, अब ये कि उद्देशक दूसरे या तीसरे में ये बताया गया है कि लेशियाओं के 6 प्रकार हम मान सकते हैं। ये जो फिजिकल और साइकिकल दो तरह की लेशियाएं हमने देखी है, ये 6-6 प्रकार की होती है। जिनको हम कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा के नसरी भाषा में जानते हैं। तो हम इसे ब्लैक ऑरा, ब्लू ऑरा, पीजन कलर वाला ओला ओरा, रेड कलर ओरा, येलो कलर ओरा और व्हाइट कलर, सॉरी वाइन लिख दिया, व्हाइट है। व्हाइट कलर वाला जो ओरा है, ये सारे जो है 6 तरह की लेशियाएं होती है। फिजिकल लेवल पर यानी बाहर में आपको ओरा में ये 6 कलर दिखेंगे, और ये 6 कलर आपके अंदर में चेतना के अंदर भी देखने को मिलते हैं। छो शरीर के स्तर पर यानी जो अंदर की बायोइलेक्ट्रिक बॉडी लेवल पर हमें यहाँ पर हमें चित्र दिया ही गया है कि आपकी चेतना में जिस तरह के परिणाम बनते हैं उसका रिफ्लेक्शन। आप किस तरह की भावधारा में है, उस तरह से स्टेट भी उस टाइप का कलर्स आपको दिखाई देगा। तो जस्ट हमें ये समझना है कि लेशिया इज द स्टेट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस विद और विदाउट नेगेटिव इमोशंस। इट इज एन एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑफ द तेजस बाय
सो ये मैंने आपसे बताया कि के रूप में अब हम ये देखेंगे कि क्या हम जो ओरा में बोलते हैं उस ओरा को चेंज करने तो कर सकते हैं, राय हैं, और हम किस तरह के भावधारा विचार अपने अंदर पालते हैं उसके हिसाब से बनते हैं कलर। तो यहाँ हम एक प्रकार धारा नहीं रखते, एक प्रकार का भाव हमारे अंदर नहीं आए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के भाव बनते रहते हैं, अलग अलग तरह के विचार बनते रहते हैं, अलग अलग तरह की भाषा और हमारे व्यवहार होते रहते हैं। सो उसके हिसाब से कलर ऐसे भी ऑटोमेटिक चेंज होते ही रहते हैं। बट आप अगर इंटेंशनली अपने कलर ऑरा को प्योरिफाइड करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, ऑस्पिशियस जो है कंडीशन में रखना चाहते हैं, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं अपने भाव को शुद्ध रख करके। सो इसीलिए कहा जाता है भाव शुद्धि भव शुद्धि, यानी जिसका भाव अच्छे है, अंदर की चेतना जिसकी प्योरिफाइड है, उसका जन्म तो अच्छा ही है, उसका ये जन्म भी अच्छा है और आगे का जन्म भी अच्छा है। सो कहने का मतलब है कि भाव शुद्धि कर रख करके हम अपने ऑरा को ब्राइट बना सकते, प्रकोप नहीं हो सकता उस ओरा के रेंज में जो भी महाप्रज्ञ जी का, आचार्य महाप्रज्ञ जी का ओरा कहा जाता था कि 1 किलोमीटर तक लगभग फैलता था, तो उस रेंज में जो भी आते हैं उसकी विचार अपने आप बदल जाते हैं। उस स्ट्रॉन्ग ओरा में आने पर अगर कोई नेगेटिविटी किसी के दिमाग में है तो उस ओरा में जैसे इंटर करेगा उसके विचार पॉजिटिव होने लगते हैं। सो ये इस तरह का ऑरा का बड़ा इफेक्ट है, ये एक प्रकार की एनर्जी है, साइकिक एनर्जी जो आपके आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है, उस फील्ड में जो भी इंटर करता है उसकी अपने आप उस पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसकी विचारधारा बदलने लगती है। सो लेशा इन द टाइम ऑफ डेथ इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस टेकिंग बर्थ इन न्यू लाइफ। जब हाँ ये हम जब डेथ के समय में हमारी जिस तरह की भावधारा होती है वो इंडिकेट करती है कि हमारा जन्म किस तरह की स्टेट में होना है। इन्हें कहा जाता है कि जन्म की लगभग अंतर मुहूर्त, लास्ट का जो अंतर मुहूर्त का पीरियड होता है, उस पीरियड में लेश्या जो है हमारी जो बनती है वही लेश्या नेक्स्ट अंतर मुहूर्त तक, जन्म लेने के बाद नेक्स्ट अंतर मुहूर्त तक वही लेश्या रहती है। और जिस तरह की लेश्या में हमारी मृत्यु होती है उसी तरह की लेश्या वाली जीवन में हमारा प्रवेश भी होता है। तो किसी का परिणाम मृत्यु के समय कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं उसके हिसाब से ये जाना जाता है कि इसका बर्थ भी किस कैसा होगा। तो कृष्ण लेश्या में अगर उस कोई मृत्यु प्राप्त करता है तो वो कृष्ण लेशी जीव बनेगा, तो वो या तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति इस तरह की चीजों में जन्म लेगा, या फिर नरक में जाकर के जन्म लेगा, या इस तरह के जीवों में जो मनुष्य योनि में भी अगर है तो इस तरह के जीवों में जन्म लेगा। सो कृष्ण लेशा वाले जीव कृष्ण लेशा वाले जीवों में उत्पन्न होते हैं, नील लेशा वाले जीवों में उत्पन्न होते हैं, तेजस लेशा वाले या कापोत लेशा वाले तो कापोत लेशा वाले, यानी वो अंत समय में अंतिम समय में परिणाम किस तरह के उससे पता चलता है कि इसका अगला जन्म किस तरह का होना है या किस तरह की प्रजातियों में जन्म लेना है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि अंतिम समय कम से कम मोह हमसे मुक्त रहे और परिणाम बहुत अच्छे रहे, आसपास में पूरा धार्मिक वातावरण रहे, तो व्यक्ति के परिणाम भी अच्छे रहते हैं और आगे का जन्म भी उसका अच्छा होता है उस हिसाब से। तो इसलिए हर परंपरा में विशेष रूप से इंडियन जितने भी ट्रेडिशंस हैं लास्ट समय में भगवान का स्मरण किया जाता है, जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, या अच्छे सॉन्ग्स चलते हैं, उस व्यक्ति के पास बैठ करके रोना दुखी होना, या आप जा रहे हैं कुछ करके कोई दुखी होता है तो उसका भी अंदर में मोह आ जाता है परिवार के प्रति कि मैं कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ।
तो उसकी दशा फिर बदल सकती है। तो हमें इसलिए मृत्यु के समय में ऐसा कोई वातावरण क्रिएट नहीं करना चाहिए जिससे कि जाने वाले व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का मोह या राग उत्पन्न हो, या कोई ऐसा व्यक्ति के प्रति जिससे उसका द्वेष है तो वो व्यक्ति अगर आ जाए और कुछ ऐसी बुरी बात कहे तो उसके अंदर द्वेष भाव पैदा हो, ऐसी वातावरण ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं देना चाहिए। जितना हो सके उसको एनवायरनमेंट और कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उसको कितना मनोबल बढ़ा सकते हैं आगे की सोचने के लिए और आध्यात्मिक दृष्टि से सोचने के लिए हम उससे प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डेथ के समय जो है वातावरण या हमारी भावधारा बहुत अच्छी रहनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए, और जिससे कि आगे का लाइफ भी उसी तरह से अच्छा हो। जल्लेस्य मरई तल्लेस्य उवज्जई, ये सिद्धांत है। जिस लेश्या में जीव मरता है उसी लेश्या में वो उत्पन्न भी होता है, यानी जिस परिणाम या भावधारा के साथ वो जन्म मृत्यु प्राप्त करता है उसी तरीके परिणाम वाले योनि में वो रहता है। बट इसका ये मतलब नहीं, कभी कभी भी नहीं है कि उस लेश्या में उत्पन्न होने के बाद वो लेश्या उसकी बदल नहीं सकती है, बदल सकती है। वो उस जीवन में जाने पर अच्छा एफर्ट करे, अच्छे अच्छे वातावरण में रहे, अच्छी थिंकिंग रखे, अच्छी भाव रखे, अच्छे व्यवहार और विचार रखे तो नहीं है। पर हाँ, जिस लक्ष्य में मृत्यु को प्राप्त करेगा उसी लक्ष्य में जन्म होगा, ये नियम बिल्कुल निश्चित है। ये हमें बहुत गहराई से समझना है कि ये मृत्यु से संबंधित नियम है किंतु जन्म से इसका संबंध नहीं है। जन्म के बाद में लक्ष्य परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है, अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छे वातावरण में हम रहते हैं, अच्छे विचार और व्यवहार हमारे होते हैं तो अपने आप हमारे भाव शुद्ध होते चले जाते हैं, और जन्म चाहे हमारी बुरी लेशा में हुआ भी हो तो वो अच्छी बन जाती है, बदल जाती है अपने आप। सो वन लेशा कैन कन्वर्ट इनटू अनादर लाइक मिल्क मिक्स्ड विद सम अदर एलिमेंट्स, गेट्स डिफरेंट कलर, टेक्स टेक्स टेस्ट एक्सेट्रा, और क्रिस्टल गेट्स डिफरेंट कलर व्हेन इट इज पुट विद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि किस तरह से लेशा बदलती है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि जैसे मिल्क है, मिल्क के साथ में आप कोई चीज मिलाते हो तो उसका टेस्ट उसमें मिल्क में भी आने लग जाता है। आपने सुगर ऐड किया तो सुगर का टेस्ट मिल्क के साथ आने लगता है, इलायची ऐड की तो इलायची का आने लग जाता है, और कोई चीजें आपने डाली है तो उसका टेस्ट उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से कृष्ण लेशा वाला अगर नील लेशा के परिणामों को प्राप्त करता है या विचारों को भावधारा को प्राप्त करता है तो उसमें नील लेशा के गुण प्रकट होने लग जाते हैं। नील लेशा वाला कापोत लेशा को प्राप्त कर सकता है, कापोत वाला तेजस को कर सकता है, तेजस पद्म में को प्राप्त कर सकता है, और पद्म वाला शुक्ल लेशा में परिणत हो सकता है, और कोई भी लेशा कृष्ण लेशा वाला सीधा शुक्ल लेशा में भी कन्वर्ट हो सकता है। कहने का इतना ही मतलब है कि आपके भाव जब शुद्ध होने लगते हैं तो आप उच्चतर अवस्था में जाने लगते हैं, आपकी चेतना निर्मल होती चली जाती है, वो शुद्ध होती है, और उससे लेशा में कलर्स में भी परिवर्तन हो जाता है, ऑरास में कलर्स बदल जाते हैं और वो ब्राइट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर्स बन जाते हैं और बहुत इफेक्टिव ऑरा बन जाता है। उससे पर्सनैलिटी भी व्यक्ति की बहुत ही इफेक्टिव और बहुत आकर्षक बन जाती है। ये लेशा के परिवर्तन से संबंधित कुछ नियमों की शास्त्र में चर्चा की गई है। लेशा के कलर्स के बारे में बात की है तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सभी ये 6 तरह के कलर्स होते हैं। तो जो तीन लेशाएं कही गई, कृष्ण नील कापूत, ये अशुभ लेशाएं मानी जाती है, इसलिए इनके कलर भी बहुत ही अशुभ होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे कलर कोई पसंद नहीं करता है जल्दी से अपने आसपास में उसे देखना। बड़े फेड कलर होते हैं, बड़े इनऑस्पिशियस कलर्स होते हैं ये, और इन कलर्स का हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारे भावनाओं पर बहुत ही जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब एक ऐसा मादक द्रव्य है जिसको पीने से व्यक्ति नशे में आ जाता है। शराब का में कैसा टेस्ट है, वही टेस्ट नील लेशा का होता है। तो कहने का मतलब है कि शराबी एक तरह से नील लेशा के परिणामों को प्राप्त करता है, उसकी चेतना उसी तरह से प्रदूषित हो जाती है जिस तरह से वो शराब होती है। ये सभी लेशाओं के अपने अपने कलर है, इस तरह की चीजें, और उनके टेस्ट भी फिर उसी तरह के हैं। यानी कृष्ण लेशा वाले की का जो टेस्ट है वो बड़ा बीटर होता है,
और जैसे कि नीम की पत्ती होती कितनी बीटर होती है, कुछ इस तरह की बीटर चीजें जो हैं उनका जो टेस्ट होता है उस तरह की टेस्ट इस कलर का होता है। कलर केवल कलर नहीं है, उसमें टेस्ट भी होता है, उसमें स्मेल भी होता है, और उसमें व्हाट टू से कलर टच भी होता है। तो इस तरह के कलर वाले लोगों का टच भी अच्छा नहीं लगता है, उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं आता है अपने को। उस तरह के ऑरा में अपन जाते हैं तो हमको वो होता है, रिएक्शन होता है एक तरह से। ये तीनों अशुभ लक्षणाएं होती है, इनके कलर, इनके टेस्ट, इनके स्मेल और इनका टच बिल्कुल जो है अच्छे नहीं होते हैं, इनऑस्पिशियस होते हैं, इनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो भी इस तरह के ऑरा के कॉन्टेक्ट में आते हैं उनके विचार भी उस तरह से प्रदूषित होने लगते हैं। और दूसरा है, तीन फ्यू अदर कलर्स हैं, तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा। तो इनके कलर बड़े ऑस्पिशियस कलर होते हैं। पद्मलेशा का, तेजोलेशा का जो कलर है वो रेड या ऑरेंज कलर माना जाता है, राइजिंग सन की तरह होता है, बहुत ब्राइट और लाइटनिंग और रेड कलर का, या हिंगुल या राइजिंग सन की तरह होता है। और पद्मलेशिया का कलर येलो माना गया है, हल्दी का जो कलर होता है। और इसका शुक्ललेशिया का कलर शंख की तरह या चंद्रमा की तरह व्हाइट ब्राइट कलर माना गया है। ये तीनों कलर बड़े ब्राइट होते हैं, वो तीनों इन ऑस्पिशियस कलर जो है बड़े फेड कलर होते हैं, ब्राइटनेस उनमें नहीं होती है, किंतु इन तीनों में बहुत ब्राइटनेस होती है और बहुत ही प्रशस्त कलर माने जाते हैं। इनका हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे व्यवहारों पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और उसके कारण से हमारी भावधारा बहुत विशुद्ध बन जाती है, चेतना निर्मलता को प्राप्त कर लेती है। ऐसे पदार्थों के संपर्क में जब कभी आते हैं, आप सुबह सूर्य उठ करके सूर्य के कलर को देखिए तो आपके ऑरा में भी वो कलर आने लग जाएगा, क्योंकि वो कलर इतना ब्राइट है, इतना आकर्षक है और इतना कहना चाहिए पॉजिटिव कलर है हमारे लिए। उस कलर को देखने से आपके ऑरा में भी वो कलर रिफ्लेक्ट करने लगता है। बाहर की कलर, उस तरह के कलर के संपर्क में आने से आपके लेशा में, यानी आपके ऑरा में भी वो कलर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर आने लगता है। इसीलिए इन चीजों का देखना होता है कि हम किस तरह के कलर पहन रहे हैं, उसका हमारे मन पर क्या असर होगा, किस तरह का होगा। ये सब चीजें भी बहुत बड़ा मायना रखती है, ना कलर का अपना इफेक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। इन्हीं के साथ में ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी बातें मैंने आपसे कह दी है, जो लिशा से जुड़ी हुई खास खास बातें थी। आप अब बताएं कि किसी को कोई क्वेश्चन है। तो जी कुछ एक दो प्रश्न मेरे भी हैं। हाँ बताइए। एक तो यह है कि आपने प्रारंभ में बताया कि लेशिया जो है वो सोल और कर्म के बीच में संबंध स्थापित करती है, यस। तो ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? तो मैं इसको ज्यादा इस रूप में समझती हूँ कि जब कभी हम पॉजिटिव इमोशंस चाहे हम कोई राइट सोचते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं या गलत भाषा बोलते हैं या गलत व्यवहार करते हैं, तो जब कभी हम इमोशनल हो करके कोई तरह की एक्शन लेते हैं तब ये लेशाएं निर्मित होती है, और वो ही एक्शन हमारे कर्म के आकर्षण का कारण भी बनती है, और इन लेशाओं के कारण से ही हमारे अंदर कषाय की उत्तेजना भी बढ़ती है। प्रशस्त है तो कषाय हमारा नियंत्रित अवस्था में रहता है, और अप्रशस्त लेशाएं हैं तो कषाय हमारा उत्तेजित होता है। तो उस ये कषाय और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को अशुभ बनाने में और कषाय को उत्तेजित करने में अशुभ लेशाओं का बड़ा रोल है। इसी तरह से कषाय को नियंत्रित रखने में और हमारी प्रवृत्ति को संयमित और रखने में या एथिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में प्रशस्त लेशाओं का बड़ा रोल है, इसलिए ये कर्म बंध का कारण बनती है। ठीक है। कुछ कई जगह ये पढ़ने को मिला कि ये जो कलर की बात की है लेशिया की, तो वास्तव में ये कलर है नहीं, वो एक उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए कलर की संज्ञा दी गई है, ऐसा कहते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है
हम दो तरह की लेशा है, ये द्रव्य लेशा और भाव लेशा। सो भाव लेशा का कलर नहीं है, भाव लेशा एक प्रकार से हमारी चेतना की दशाएं हैं, जो कि इम्प्योर या प्योर जो हमारी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है या सोल है, सोल की जो स्टेट्स हैं उनको हमने भावलेशा कहा। तो चूंकि चेतना अरूपी मानी गई है इसलिए भावलेशा का कलर नहीं माना गया है, किंतु द्रव्यलेशा का तो जरूर कलर माना गया और इसीलिए ये कलर इंडिकेट किए जाते हैं। और हमें वो कलर रिफ्लेक्ट भी होते हैं और फिजिकल रूप में भी वो कलर, जो मान लीजिए कि हेलिश बींग्स है या देवता जो होते हैं तो उनके बॉडी के कलर्स भी में भी इन कलर का प्रोमिनेंस रहता है, यानी वो डोमिनेटिंग कलर्स होते हैं उनकी बॉडी के, उनके विचारों में, उनके व्यवहारों में। सो जो फिजिकल रूप में भी इनके कलर्स की प्रेजेंस मानी गई। ये ओरा एक मॉडर्न कंसेप्ट है, क्या ओरा का उल्लेख शास्त्र में आया, इसमें प्रज्ञापना सूत्र में ओरा का उल्लेख आया? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि देखिए लेशा शब्द वास्तव में है क्या, वो कहते हैं कि प्राकृत में र और ल का अंतर नहीं माना जाता है, तो ये लेशा शब्द वास्तव में रश्मि शब्द से बना हुआ है। अच्छा। तो इसका मूल ओरिजिनल है रश्मि, तो रश्मि का मतलब है रेडिएशन, लाइटिंग, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती रहती है। So, इसलिए वो कहते हैं लेशा शब्द लेसी और लेसी से रश्मि ऐसा, तो रलयो और अभेद प्राकृत का सूत्र है, र और ल में कोई अंतर नहीं है, तो वो एक्चुअल में ये रश्मि शब्द है और रश्मि से लस्सी और लस्सी से लिस्सा ऐसा करके लिस्सा बन गया है, रेडिएशन है वो एक्चुअली। यस यस एक बात और, इसी तरह से बुद्धिज्म में भी कलर के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व माने गए हैं। तो कलर का कंसेप्ट श्रवण परंपरा में रहा है व्यक्तित्व विभाजन के लिए, वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन जब कुछ किया जाता है तो प्राय कलर के आधार पर किए जाते हैं। तो 6 प्रकार के अभिजात माने जाते हैं, बुद्धिज्म में भी माने जाते हैं, पर इतना डिटेल और व्यवस्थित विश्लेषण विवेचन वहां कुछ नहीं है किस कुछ चीजों का, जो जैनिज्म में अपने को लेशा के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक प्रश्न और है मेरा। आपने बताया था अभी कि जो मरते समय जो लेशिया होती है, yes, तो yes. प्रकार की लेशिया होती है उस प्रकार का जन्म होता है, yes. तो लेकिन जन्म तो की तो वो तो आयु कर्म के ऊपर निर्भर करता है, जो आयु कर्म का बंध तो पहले ही हो जाता है। सही है, तो ये प्रश्न होता है, तो कभी कभी ये हमें समझना है कि कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु लास्ट मोमेंट में, मीन्स कहने का मतलब आयु का निर्धारण लास्ट मोमेंट में होता है, कभी कभी किसी का अगर पहले से नहीं हुआ है, जिसका अचानक जैसे एक्सीडेंट होता है छोटी एज में, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया और समय से पहले वो चला गया, तो उसके स्टेट्स पर उसका आगे का जन्म निश्चित होगा। और दूसरी बात है कि जिनका जन्म पहले से निश्चित हो चुका है, समझ लीजिए आयुष्य का पहले से बंद हो चुका है, तो जिसका आयुष्य पहले से बंद हो गया है तो अंतर मुहूर्त पहले मृत्यु से पहले उस तरह का नए जन्म के हिसाब से उसमें लेशा प्रकट हो जाती है, तो अपने आप उसकी भावधारा वैसे बन जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए राजा श्रेणी की बात है, जो अभी आगामी हमारी 24 के अंदर प्रथम तीर्थंकर बनने वाले, किंतु उनकी मृत्यु उन्होंने किस तरह से हुई थी, है ना, जो तीर्थंकर बनने वाले क्षायिक सम्यक्ति थे, क्षायिक सम्यक्ति की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो नरक में जा सकता है क्या, परंतु वो नरक में क्यों गए कि पहले ही ना उनका आयुष्य जो है नरक गति का बंधा हुआ था और सम्यक्त्व की प्राप्ति उनको बाद में हुई थी, तो उनकी भावधारा कितनी विशुद्ध होते हुए भी लास्ट मोमेंट में उनके मन में सुसाइड करने की भावना आ गई और उन्होंने जहर ले लिया और उनकी डेथ हो गई। तो जो आगामी जन्म में तीर्थंकर बनने वाले हैं और इस जन्म में सम्यक्त्व को, जिन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है, उसकी तो नरक गति की संभावना हम कर ही नहीं सकते थे, परंतु चूंकि आयुष्य पहले से उनका नरक गति का बंधा हुआ था इसलिए उनके परिणाम अंत में वैसे बन गए और उन्होंने सुसाइड किया उसके। मेरा ये समझ है कि आयु का बंध पहले हो गया लेकिन मृत्यु के समय जो लेशिया है वो जन्म के समय भी, मतलब जब बच्चे में है फिर उसी तरह की लेशिया होगी, बस इतना ही जिनका पहले से निश्चित हो चुका है वो तो बदलेगा नहीं, तो उसके हिसाब से उसकी भावधारा लास्ट मोमेंट में अपने आप बन जाएगी। आप चाहे कितना ही अच्छा वातावरण देंगे भी
तो वो अपने आप ही खुद ही दुखी हो जाएगा अपने आप ही। तो अब उसके ऊपर है अपनी ओर से, तो हम अच्छा कम से कम एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो दुखी होकर ना जाए या कोई तरह का अटैचमेंट उसके मन में ना रहे। सो हम अपनी ओर से अच्छा पॉजिटिव दे सकते हैं, अगले का अपना है, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी कि जीवन भर बहुत कठोर साधना करने के बावजूद भी लास्ट के परिणाम उनके अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी गति पहले से या तो ऐसी जगह बन चुकी है जिसके कारण से उनके परिणाम बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। इवन संधारा, इवन संधारा लेकर के परिणाम बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, तो ये हो सकते हैं। ये एक टेस्ट की बात आपने कही, जैसे कि टेस्ट और लेशिया का भी संबंध आपने बताया, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि जो नीम का वृक्ष है उसमें कृष्ण लेशिया है? अभी ये है ना कि दो, मैं कोई भी बात जो है थोड़ा सा नॉन एब्सोल्यूटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है, यानी रिलेटिव सेंस में जानना समझना भी जरूरी है। कुछ चीजें जो पॉजिटिव इफेक्ट डालती है उनको, उनके टेस्ट को हम नेगेटिव सेंस में ना ले। और दूसरा ये है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु और वनस्पति में वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण नील कापो तीन ही लेशाएं होती है। ओके, सो उनमें ऑटोमेटिक बाय नेचर ही वही लेशाएं होती है। सो आप उस सेंस में भी सोचे तो हो सकता है कि उनकी कृष्ण लेशा हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी एक बात कहते थे कि कृष्ण नील कापोत ये तीनों कलर अगर बहुत फेड है, इन ऑस्पिशियस है, एडवर्स इफेक्ट वाले हैं, तब उनको हमें अशुभ लेशा के रूप में उन कलर्स को देखना चाहिए। किंतु अगर उनके पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे हैं तो उनको अशुभ नहीं मानना फिर जी। तो जैसे मान लीजिए जो लोग एडवोकेट्स होते हैं कोर्ट में जाते हैं तो काला जो है क्या पहन करके जाते हैं कोर्ट, है ना। तो काला कलर किस लिए पहनते हैं? कि ताकि कोई बुरी चीजों का उन पर असर ना हो। तो काला कलर में इविल पावर्स को रोकने के लिए या इविल इफेक्ट्स को रोकने के लिए या गलत उनसे डिसीजन ना हो उसके लिए वो काला कलर पहन के जाते हैं। सो इसी तरह से आपके हॉस्पिटल्स में ब्लू कलर के पर्दे लगाए जाते हैं या ग्रीन कलर के पर्दे लगाए जाते हैं, तो ब्लू कलर विजातीय तत्वों को अलग सेपरेट करने में हेल्प करता है। सो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू कलर अच्छा माना जाता है, परंतु वो प्रशस्त कलर है होना चाहिए, उसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों तरह के कलर के इफेक्ट है, फेड कलर और इनऑस्पिशियस कलर है जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है, उनको हम जरूर कृष्ण लेशिया समझ कर के चले। धन्यवाद कछरा सर। विशाल जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आज प्रश्न थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे, 9:15 तक शायद हमें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरे नेटवर्क में थोड़ा सा इश्यू है। ओके चलिए तो शॉर्ट में पूछिए। हाँ शमी जी, ये जो कॉन्शियसनेस का सब्जेक्ट है ये एक काफी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, उसको उसका अभ्यास करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए क्या हम लेशिया के मार्फत उसका स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल, लेशिया इज ए ऑब्जेक्टिव, आई मीन उसकी अगर मेथडोलॉजी अगर कुछ एस्टेब्लिश की जाए उसकी स्टडी करने की, तो यूजिंग दैट एज ए इंस्ट्रूमेंट कैन वी कंडक्ट स्टडी अबाउट द कॉन्शियसनेस इनटू जैसे पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति जो भी हम समझते हैं वो सब में हम क्या स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए ओरा के आधार पर बहुत स्टडी अभी तो थेरेपी के रूप में भी ये डेवलप हो गया है, स्कैन थेरेपी के रूप में हो गया है, या ओरा क्लिंसिंग की थेरेपी दी जाती है। सो चेतना को बदलने के लिए यानी आंतरिक चेतना को शुद्ध या प्योरिफाइड करने के लिए लेशा को, कलर्स को, और प्रत्यक्ष ध्यान के अंदर लेशा ध्यान स्पेशली करवाया जाता है और छह कलर पर करवाए जाते हैं कि आप अपने भावधारा को बदल सकते हो। हमेशा इसी स्टेट में रहना कोई आवश्यक नहीं होता है। सो आप अपनी स्टेट्स को हायर भी बना सकते हो, तो उसके लिए कलर पर मेडिटेशन किया जाता है। सो ये कलर थेरेपी है और स्कैन थेरेपी है और स्टडीज है, ये सबको आप सपोर्ट लेकर के कर सकते हो। प्रोफेसर विनय जैन को ने कोशिश भी किया था कि एक कैंडिडेट जो है इस विषय पर काम करे, उन्होंने अच्छा इस विषय को लेकर आर्टिकल लिखा भी है, रिसर्च आर्टिकल। सो उस प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ओके
मतलब ये तो जो ऑरा के ऊपर जो भी प्रयोग हो रहा है वो जैसे आपने बताया कि भाई आप परीक्षा ध्यान में भी आप कलर्स के ऊपर फोकस करें तो दैट विल चेंज योर परसेप्शन, आपकी पूरी ऑरा को चेंज कर देगा। पर मान लीजिए हमको एक पृथ्वी का जीव के ऊपर उसकी कॉन्शियसनेस पे अगर कुछ स्टडी करना है तो इसका आधार ले सकते है ना? ले सकते क्यों नहीं ले सकते। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना, मतलब वो मेथड आपका सही ढंग का होना चाहिए कि वर्क कर रहा हो और आपको सही मतलब उसकी रीडिंग्स मिलनी चाहिए। थैंक यू विशाल जी। पोखाना सर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हेलो। हाँ पोखाना सर बताइए। अच्छा हाँ समृद्धि जी वंदन आपको। मैं ये कह रहा था कि हम जो कह रहे हैं कि लेशिया के छह प्रकार छह रंग की होती है तो ये जो रंग है रंग का जो कंसेप्ट है मतलब ये रंग अपन से जनरली कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है तो वो अलग अलग रंग की हो उससे अलग अलग रंग निकल के आता है तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने जो रंग देखा था वो रंग वही है जो कि आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी परिभाषा दी जा सके ऐसा है। दूसरा तो मैंने आपसे अच्छा ठीक है हाँ बोलिए हाँ आप बोलिए। दूसरा प्रश्न है कि वो लेशिया का रंग किसी दूसरे व्यक्ति की लेशिया का रंग अगर मेरे को देखना है तो मेरे को क्या ऐसी क्वालिटीज कौन सी मतलब है वो शक्ति होनी चाहिए मेरे में मतलब कि ताकि मैं बता सकूं कि भाई इस व्यक्ति के ये लेशिया है अभी आज की स्थिति में और एक घंटे बाद उसकी स्थिति ये हो गई मान लो सपोज उसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो ऐसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी चीज है जिससे मैं ये बता सकता हूँ किसी और की लेशिया को। ओके सो पहला आपका है कि हमारी एक तरह से लाइट की फ्रिक्वेंसी है इसीलिए मैंने कहा कि ये तेजस शरीर का रिफ्लेक्शन है जो कि इलेक्ट्रिक बॉडी कहलाती है। इलेक्ट्रिक बॉडी जो हमारे अंदर की जो तेजस शरीर है ना उसके रेडिएशन है ये जो बाहर में ओरा के रूप में दिखते हैं आपको। सो वो एक प्रकार की लाइट ही है लाइट की फ्रिक्वेंसी है जो कलर के रूप में आपको बाहर दिख रही है। ठीक है सो ये तेजस शरीर का रिफ्लेक्शन है प्रोजेक्शन है एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। तेजस शरीर जो है एक तो हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने का शारीरिक और मानसिक जो भी क्रियाएं होती है तो उसको उसके लिए उनको एम्पावरिंग करने का काम करता है और बाहर में ये रेडिएशन के रूप में और इसका बड़े चमत्कार जितने भी योगी लोगों के आप चमत्कार सुनते हो कि वो उन्होंने दूर से ऐसा कुछ कर दिया वैसा कर दिया तो ये सारा तेजस शरीर का एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। सो ये रेडिएशन जो है वो बायोइलेक्ट्रिक बॉडी के ही रेडिएशन है। सो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक वेव्स ही है या रेज ही है जो आपको कलर के रूप में बाहर दिख रही है फिजिकल लेवल पर। ठीक है दूसरा है आपने कहा कि इनको चेक करने का क्या तरीका है तो एक तो ये होता है कि आपकी ऐसी कुछ लोगों को मेरे पास में एक प्रोफेसर मैं जब जयनुष भारती यूनिवर्सिटी में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रही थी तो जर्मनी के प्रोफेसर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वन ईयर तक मेरे साथ काम किया था उन्होंने और उनको बाय बर्थ ही कहना चाहिए कि उनको हर व्यक्ति का ऑरा दिखता था। तो कुछ यहाँ फॉरेन में लोगों को कुछ काफी मतलब कुछ लोगों को मतलब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको बाय बर्थ ही उनको ऑरा दिखाई देता है लोगों का। सो वो इतने कुछ लोग बड़े इनोसेंट होते हैं अंदर से और बड़े सरल होते हैं तो उनके अंदर वो एफिशिएंसी अपने आप होती है ऑरा को देखने की तो उनको बिल्कुल क्लियर दिखता था हर व्यक्ति का वो ऑरा देख लेते थे और कोई भी किसी भी टाइम में वो उनके सामने कोई भी आया तो वो ओरा को उसको पहले देख लेते थे कि इस ओरा का आदमी है बोले इससे सावधान रहना इससे ये व्यक्ति सही नहीं है मुझे भी कह देते थे। सो मतलब उनको ओरा दिखता है क्लियरली। तो अभी वो है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं वो वेजिटेरियन भी थे और बहुत ही एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे कोई भी छोटी सी भी मतलब इल्लीगल काम तो उनको बर्दाश्त ही नहीं होता था इतना रिएक्ट करते थे वो। सो उनको ऑरा बचपन से दिखता था और कई लोगों को यहाँ विदेश में तो हमें थोड़ा इजीली देखने को मिलता है कि लोगों को ऑरा दिखाई देता है वो एनर्जी फील करते हैं ऑरा दिखते हैं
और एक बार हमने कलकत्ता में हम स्टडी करने के लिए गए थे, तो हम सबनी जी आपस में एक दूसरे का ओरा देखने की कोशिश कर रहे थे, तो आप कंसंट्रेट करें, यानी जैसे मान लीजिए आप भंडारी जी साहब के का ओरा देखना चाहते हैं, तो आप इनके सामने बैठ करके थोड़ी देर तक कंसंट्रेट करें, इनके आसपास का जो ओरा है उसको देखते रहे, देखते रहे, धीरे धीरे वो दिखने लग जाता है। अच्छा, तो वो इतना पेशेंस तो आप में है ना, सामने वाला आपके सामने बैठने को तैयार होता है और वो नहीं ना चाहता है, परंतु वर्तमान में तो स्कैन थेरेपी आ गई है, इवन वो किरलियन फोटोग्राफी से ओरा को देखा जा सकता है, फोटोग्राफी से पता चलता है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के अंगूठा का ओरा लिया था वो किरलियन फोटोग्राफी वालों ने, सो उसमें उनके पूरे प्रशस्त जो स्पिरिचुअल कलर्स थे उनके अंगूठे पर के आसपास में बहुत दिखाई दे रहे थे। सो ये आजकल तो सारी आपके टेक्नोलॉजी है, किरण फोटोग्राफी है, ये आपके स्कैन थेरेपी है और रीडिंग के जो भी बहुत सारे तरीके निकल गए। नहीं तो हम कह सकते हैं कि जो ओरा है और लेशा है दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है, ये द्रव्य लेशा है जो ओरा के रूप में आपको बाहर दिख रही है, इसको द्रव्य लेशा कहते हैं, जिसमें आपको कलर इत्यादि दिखाई देते वो द्रव्य लेशा है, वो फिजिकल रूप है, वो एक तरह से फिजिकल एनर्जी है, और अंदर में जो आपके चेतना में परिणाम बनते हैं उसके कोई कलर नहीं कहे जाते हैं। कलर वो जब चेतना हमारी तेजस शरीर के लेवल पर आती है तो वो हमारी जो बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है वो उसके रेडिएशन से उसमें कलर्स चेंज हो जाते हैं, सो वो कलर के रूप में बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, उससे हमें हमारी आंतरिक दशा का पता चल रहा है कि हमारी चेतना भी किस लेवल पर है। नहीं तो ये कह सकते हैं कि तप और तपस्या करने से जैसे बहुत से साधु होंगे उनमें ये क्षमता होगी कि वे दूसरों का मतलब आराम से मतलब लेशा देख सकते होंगे मतलब। हाँ तो देखिए ये जो अब ये ग्रंथ लिखा है ये तो आचार्य ने लिखा है ना, एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान महावीर वो 14 पूर्वधर माने जाते थे, सो कहने का मतलब है कि उन्होंने जो लिखा है तो उन्होंने देखा है और करा है तभी ना लिखा है। वो तो खैर सही बात है, हर हर जीवों में कहा किसमें वनस्पति में किस तरह का हो रहा होता है, पृथ्वी काय में किस तरह का, ये मैंने सारा डिटेल आपको नहीं दिया क्योंकि हमारे सभी स्कॉलर सब तरह के हैं और बहुत टिपिकल हो जाता है कि वो आपने जैसे कछारा साहब ने प्रश्न पूछ ही लिया कि नीम को हम क्या माने और कृष्ण लेशी माने क्या, तो हाँ यहाँ पे बता रखा है वनस्पति में कितनी लेशाएं होती है, पृथ्वी में कितनी लेशाएं होती है, पानी में कितनी लेशाएं होती है, किस किस तरह की हो सकती है, उनमें उनमें परिणमन भी किस तरह का होता रहता है, तो सारा ये डिटेल भी वर्कआउट किया हुआ है, सो आई एम उसको डिस्कस नहीं कर रही कि वो टिपिकल हो जाता है और फिर बात समझ में नहीं आती क्या कहा जा रहा है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक, वंदना धन्यवाद आपको खड़ा सर। मंडली सर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सभी तरह के ये नहीं, इस चैप्टर में सभी प्रकार के जीवों में किस तरह की लेशा ओरा पाया जाता है उसका डिस्कशन है और कंपैरिजन करके और बताया है कि एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में के ओरा में भी कितना अंतर हो सकता है, क्यों होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि आप एक समतल भूमि पर खड़े हैं, सपोज आप खड़े हैं और भंडारी साहब भी खड़े हैं, परंतु आप थोड़ा सा आप जमीन में थोड़ा ऊंची भूमि पर खड़े हैं, वो थोड़े नीची भूमि पर खड़े हैं, तो ऊंची भूमि वाले को आसपास की चीजें बहुत दिखाई देती है, जानने में आती है, नीचे वाले को थोड़ा कम दिखाई देती है उस रेंज में, बाकी आप एक ही भूमि पर खड़े, तो इसी तरह से ज्ञान में फर्क पड़ा जाता है कि किसकी लेशा अगर मतलब जो है प्योरिफाइड है, कंपैरेटिवली दोनों ही कृष्ण लेशा वाले हैं, परंतु एक का लेवल हाई है और एक का लो है, तो जो हाई लेवल वाला है वो उसकी उसका नॉलेज की लिमिट होगी और जिसका लो लेवल है यानी लेशा का प्रभाव कम है उसके ऊपर, उसको उसकी नॉलेज की रेंज ज्यादा होगी। सो ये सब चीजें नॉलेज पर भी उसका इफेक्ट आता है, हमारे फूड के ऊपर भी इफेक्ट आता है, यानी हम कौन कृष्ण लेशी वाला व्यक्ति ज्यादा खाएगा, शुक्ल लेशा वाला तो बहुत लिमिटेड खाएगा, जस्ट हेल्थ के लिए जो यूजफुल है वही खाएगा, सो इसलिए साधु संतों का योगियों का ध्यान जो भोजन है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत सिलेक्टिव होता है, बहुत क्वालिटी के हिसाब से होता है। सो लेशा के ऊपर है कि आपका फूड भी किस तरह का होगा, यानी डाइटरी हैबिट्स भी आपकी कैसी होगी, आपका श्वास भी कैसा होगा, उस श्वास का कलर कैसा होगा, स्मेल कैसी होगी, सारी चीजें आपका पूरे व्यक्तित्व से चेंज हो जाता है, किस तरह की लेशा है उससे पूरे व्यक्तित्व में परिणमन हो जाता है, मीन्स परिवर्तन हो जाता है। यस सॉरी लंबा हो गया था आंसर। कोई बात नहीं,
हमें भी जानने की एक उत्सुकता रहती है। हाँ भंडारी सर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ, आपने बहुत ही गुड विषय है उसको अच्छी तरह से हमको समझाया, पर मेरे कुछ प्रश्न हैं। एक तो मैं, आपने कहा कि भावलेश्या के कलर नहीं होते हैं, ये सही है? मतलब मेरे समझ में जो आया, बिल्कुल सही है, भावलेश्या के कलर भावलेश्या हमारी चेतना की दशा है, चेतना का कलर नहीं है ना। चेतना तो अरूपी है, आत्मा तो अरूपी है, उसकी उसका गुण चेतना भी अरूपी है। सो वो इम्प्योर प्योर होती है, उसकी दो स्थितियां बताइए, वो इम्प्योर स्टेट में होती है और प्योर स्टेट में होती है, बट उसका कलर नहीं बताया, कलर नहीं होता वो इम्प्योर प्योर। और जो द्रव्यलेशा है उसको शुभ और अशुभ कहा गया है, उसको शुद्ध और अशुद्ध कहा गया है, और इधर में द्रव्यलेशा को शुभ और अशुभ कहा गया है, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, मेरिटोरियस और अनमेरिटोरियस। तो वो एक प्रकार की मैटर की क्वालिटी है। सो उस मैटर में तो हमेशा कलर होता ही है, कुछ ना कुछ कलर। तो द्रव्यलेशा में कलर होता है, भाव में नहीं होता है। तो आपने ये इसको उससे भी जोड़ दिया, कषाय से भी। yes. तो ये जो लेशिया कषाय से उत्पन्न होती है या चेतना से उत्पन्न होती है, मतलब उत्पन्न कहाँ से होती है? तो मैंने आपसे कहा एक तेरा पंथ के बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत बड़े ज्ञानी आचार्य हुए, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ थे, वैसे ही चौथे आचार्य जो थे वो जयाचार्य थे। उन्होंने एक श्लोक बनाया है कि लेशा को डिफाइन करते हुए कि उजला ने मेला जो मोह कर्म संजोग विजोग, उनका मारवाड़ी में था, उन्होंने भगवती की जोड़ राजस्थानी भाषा में लिखी है ना, भगवती की टीका लिखी है राजस्थानी भाषा में। सो उसमें उन्होंने कहा कि मोह कर्म का जब उदय होता है तब ये अशुभ लेशाओं का जन्म होता है, और मोह कर्म का जब क्षय क्षोपशम या उपशम, यानी मोह कर्म जब शांत होता है ना, कषाय आपका जब शांत होता है, कंट्रोल में रहता है या रिमूव पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो आपकी शुभ लेशाएं होती है। सो कषाय के साथ तो लेशाओं का बड़ा संबंध है, कषाय और एक्शन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है ये। मान लीजिए कि किसी के अंदर में कषाय तो नहीं है, परंतु तो एक्शन गलत ले लिया, कुछ गलत सोच लिया, तो उससे भी उसका प्रभाव पड़ता है उसकी भावधारा के ऊपर। सो ये एक तरह से कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति है ना, उससे ये लेशाएं क्रिएट होती है। कषाय का या तो इफेक्ट है या कषाय का इफेक्ट नहीं है हमारी प्रवृत्ति पर, उस समय ये लेशाएं बनती है। जी, एक सूचना के लिए भंडारी साहब का प्रश्न हो गया, आपके प्रश्न हो गए, तो एक ही प्रश्न हुआ, मैं सोचा बहुत सारे प्रश्न हो गया, पूछिए जरा साहब। नहीं, मैं एक सूचना दे रहा था। हाँ। आपने किरलियन फोटोग्राफी की बात कही, बाद में रिसर्च में ये मालूम पड़ा कि एक्चुअली किरलियन फोटोग्राफी मॉइस्चर का इफेक्ट आ रहा था उसमें, इसलिए वो इस तरह की फोटोग्राफी हो रही थी। तो बाद में लोगों ने कहा कि ये किरलियन फोटोग्राफी कोई बहुत यूजफुल नहीं है, ये एक्चुअली मॉइस्चर के कारण वो सारे प्रभाव दिख रहे थे पहले, जो पहले उनको मालूम नहीं थे, बाद में मालूम पड़ गया, तो फिर बाद में लोगों ने छोड़ दिया किरलियन फोटोग्राफी का सिद्धांत। ये जैसे तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो हम तो अभी तक उसी इम्प्रेशन में थे कि उससे और आके सही फोटो आते हैं। आजकल स्किन मॉइस्चर से आ रहे थे एक्चुअली, वो मॉइस्चर के कारण, परंतु आजकल एक नई स्कैन थेरेपी जो चली है उसका क्या काम लिमिट है? नहीं, स्कैन थेरेपी एक बिल्कुल अलग चीज है। स्कैन हमारे मतलब दिल्ली में साधना केंद्र जो वृक्ष ध्यान का केंद्र है, सेंटर है, तो वहां पर स्कैन थेरेपी जो है, थेरेपिस्ट होता है वो स्कैन थेरेपी से करता भी है और आके चित्र और उसके आधार पर पता चलाया जाता है कि किस तरह की बीमारी या किस तरह का इनको मेडिटेशन दे। समणी जी क्लेयरवॉयंस की शायद बात कर रहे हैं। नहीं, क्लेयरवॉयंस की बात नहीं, क्लेयरवॉयंस तो अवधि ज्ञान कहलाता है, स्कैन थेरेपी है ना, ऑरा का पिक्चर लेकर के वो ट्रीटमेंट या मेडिटेशन किस तरह का इसको करवाए, किस तरह की अनुप्रेक्षा करवाए, तो वहां पर ये टेक्निक को काम लिया जाता है।
अच्छा, तो ये कोई नई टेक्निक हो गई दूसरी? हाँ, ये स्कैन थेरेपी के नाम से आ रही है, और आपको रीड करने के लिए। अच्छा, ये अलग चीज। डिसीजन सब समझ गया बेटा? नहीं नहीं सारे प्रश्न हो गए। डिसीजन सब का कोई प्रश्न था पर अभी वो दिख नहीं रहे ऑनलाइन। ओके, डिस्कनेक्ट हो गए। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, लगता है समरी जी और किसी के कोई प्रश्न नहीं है। आप आपका कोई प्रश्न बाकी है अभी? भंडारी सर जी, हाँ, नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। वैसे प्रश्न तो बहुत है पर वो अलग से चर्चा करेंगे। कि मेरे ख्याल से ऑरा तो एक्सटर्नल रेडिएशन है, वो मेजर किया जा सकता है। और जो पोखरना साहब कह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है वो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, वो तो मेजर किया जा सकता है। पर लेशिया शायद मेरे ख्याल से वो चतुर्स्पर्शीय होगी, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। वो कलर हो सकते हैं पर वो उसके कोई टेक्निक नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। इस पर विचार अलग से करेंगे, मतलब इट इज नॉट ए क्वेश्चन, ये इज टॉपिक बाय इटसेल्फ। तो अभी मेरे ख्याल से भंडारी सर ने मेरा क्वेश्चन ही उठाया, मैं वही क्वेश्चन पूछने जा रही थी कि तेजस अरे तो आप बता रहे हो तो वो तो चतुष्पर्शीय, तो वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा वो एक प्रश्न होने वाला था। हमको पहले तो ये देखना है कि लेशिया के जो कलर्स मारे गए हैं वो उस हिसाब से लेशिया के अंदर कितने स्पर्श मारे गए। तो लेशिया को मैं इसमें जो बताया है उस हिसाब से क्या होता है रस स्पर्श, एक मिनट, इसमें स्पर्श के बारे में कुछ चर्चा की गई है, गंध के बारे में है, लेशिया का गंध होता है और लेशिया की, तो मैं ये देखती हूँ कि इसके अभी मुझे देखने में नहीं आ रहा है, पर मैं इसके स्पर्श के बारे में जानकारी करूंगी कि होते कितने स्पर्श हैं। ऐसा मानना कि स्पर्शी ऐसा नहीं, चतुष्पर्शी ऐसा नहीं है, ये अष्टस्पर्शी भी हो सकती है, बट हमको देखना है कि कितने स्पर्श होते हैं, या मुझे अभी थोड़ा देखने में नहीं आ रहा है। रस का तो बताया ने, आप अगली बार बता दीजिए, अगली बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगली बार बता दीजिए आप। ये क्वेश्चन हम दोबारा भी लेंगे। प्लस ये लेशिया है एक प्रकार का परिणाम है ना, सो यस आप, हाँ कच्छा सब कुछ कह रहे हैं। अधिकतर जगह यही लिखा है कि लेशिया अष्टस्पर्शी है, क्योंकि ये तो बाह्य चीजें भी जो है ना उनके भी अपने कलर्स होते हैं, और वो कलर्स आपके उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तो वो कलर्स जो है अष्टस्पर्शी चीजों में भी होते हैं, इसलिए इनको चतुष्पर्शी नहीं, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा और कर्म वर्गणा, ये तीन के ही पुद्गल जो है वो चतुष्पर्शी माने गए, बाकी सबको नहीं माना गया। यानी तेजस शरीर को हम तेजस वर्गणा जो है वो चतुष्पर्शी नहीं अष्टस्पर्शी भी है। ठीक, तेजस शरीर तेजस वर्गणा तो चतुष्पर्शी ही है। मेरी बात सुनिए, कार्मण वर्गना, मनोवर्गना और भाषा वर्गना, तीन जो तीन तरह के जो पुद्गल है इनको चतुष्पर्शी माना गया, तेजस शरीर को नहीं माना गया। ये सूक्ष्म है, ये ठीक है कि हमारे इस तेजस शरीर के कंपैरिजन में सूक्ष्म है, इससे जो है कार्मण शरीर जो है वो सूक्ष्मतर है या सूक्ष्मतम है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो अष्टस्पर्शी नहीं है। तेजस शरीर को मेरे ख्याल से चतुष्पर्शी नहीं माना, अष्टस्पर्शी माना। कार्मण शरीर तो चतुष्पर्शी है, कार्मण शरीर चतुष्पर्शी है, भाषा के पुद्गल जो है चतुष्पर्शी है, और मन के जो विचार है वो चतुष्पर्शी है, बाकी सब जो है वो अष्टस्पर्शी भी हो सकते हैं, छह स्पर्श वाले भी हो सकते हैं। सो मैं उसको चेक करके शास्त्रीय आधार पर मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊ नेक्स्ट।
गोमट सार के अनुसार तो चतुष्पर्शी है तेजस वर्गना के कुलगल भी वहां पे लिखा है सर चतुष्पर्शी है। जी चतुष्पर्शी है। मुझे जहां तक पता है समणी जी तत्वा सूत्र में भी शायद ऐसा लिखा है, फिर भी मैं वेरीफाई करके बताऊं। वहां पे सूक्ष्म सूक्ष्मतर का, इसलिए मैं तत्वा सूत्र का ही रेफरेंस दे रही हूँ। यहाँ पर जो है ना तेजस शरीर को सूक्ष्म माना है, और मतलब आहारक शरीर सूक्ष्म है, उसे तेजस शरीर सूक्ष्मतर है और कर्मण शरीर सूक्ष्मतम है। तो सूक्ष्म और स्थूल होने से कोई स्तस्पर्शी या चतुर्स्पर्शी हो ऐसा कुछ नियम नहीं है। सो हमें ये देखना है कि वास्तव में क्या है, क्योंकि ये कलर्स तो दिखते हैं ना आपको, आप कलर्स दिखते हैं। सही इस यही टॉपिक में मेरा एक छोटा पॉइंट है यहाँ कि हम ये सूक्ष्म की पता नहीं पहले क्या डेफिनेशन थी और किस संदर्भ में यूज करते थे, पर सूक्ष्म आजकल तो हम छोटे को सूक्ष्म मानते हैं, पर ये सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मतलब छोटा और उससे भी छोटा, वो करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। उसको इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव या उसके प्रॉपर्टीज ही सब डिफरेंट होते। नहीं नहीं, उसको ये समझना चाहिए सूक्ष्म का मतलब है कि इनविजिबल, और स्थूल का मतलब है जो विजिबल है आपके सेंसेस के लिए, तो उसको हम